बहुत ही माननीय आज की इस सभा में बैठे सभी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे अगवा, सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूंगा। आज का ये सम्मेलन बहुत ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हो रहा है। इसमें सारे देश से किसानों के नुमाइंदे शामिल हुए हैं, कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हम लोग देखो भाइयों, जिस काम के लिए आया पहले वो सुनो आप। ये लगाई और उनको ये लोग हो 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 करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है? भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। अरे ये कौन है भाई, क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जो यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करा इनसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं ये, इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो, यहां से प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उन्हों की बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूना मारी होगी, इनको पीछे बैठाओ सबको अंदर से। ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है आप बैठे बैठो, पीछे बैठ दो एक बार। हाँ, यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी है, ये भी पीछे बैठो इनसे, आप लोग उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, उनसे बचकर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा। आप कौन सी विचारधारा से हो? ये जो 50 लोग हैं, ये कौन सी विचारधारा से हैं? मैं इनकी जानकारी करूं क्या फिर यंका यहीं? अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन?
आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उसका उस पर गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है, जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए, तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को, एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था, मोदी सरकार ने इस पे भी कॉरपोरेट हाउसेस के सामने प्रोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। तीन कानून बनाए हमने, 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है, इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहर हैं, और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है, ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए, उनके प्रांत में भी यही आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे।
हम बंगाल गए वोट पे चोट की, तो आज कहाँ है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने, मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कभी आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई, वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनपे दिल पे उनके दिल पे उकरी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा, ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उनको उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राह रास पर आ जाओ वरना मिटा दियो जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है, अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद का की कॉल दी है, इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 तारीख 27 सितंबर है, मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को मुलाजम वर्ग को, वो गलतफहमी में है, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है, देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है, लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। अब कॉरपोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में, वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में कॉरपोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉरपोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो हर गरीब की रोटी अमीर कॉरपोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी, ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। तो मेरी सबसे निवेदन है जो भाई दूसरे काम भी करते हैं बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो, और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया,
तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली भाइयों, आपकी आज की ये रैली, सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत, इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया। और आज हमारी हालत यह है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकंपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई, विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को, या तो वो राय राज पे आ जाए, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने, उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं आने उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया, और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था, उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हमारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति को, शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये छह मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हलके में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिप्यूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला है वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया, मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए, सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी FIR वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है, इसलिए
मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहां आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं, वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी। मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी हमने छोटी सी कॉल दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहां बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल, इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था, बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा, बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। ये इस मैदान का इतिहास है, अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले, वो जो आजकल परेशान है तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करे। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।